Hello everyone, this is Mr. Vinod sir, welcoming to you all on our YouTube channel VS English Academy. तो देखो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं would के कुछ यूजेस के बारे में. would के यूजेस के बारे में ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, जहां पे मैंने आपको क्लियर करवाया है कि किस अलग अलग प्रकार से, मतलब वहां पे उस वीडियो में जो है ना हमने बात की है 7 डिफरेंट यूजेस ऑफ वुड. आप सुनकर हैरान हो जाओगे, इतने सारे यूज होते हैं वुड के. तो वहां पे 7 यूजेस के बारे में हमने डिस्कस किया और बचे हुए कुछ और यूजेस है जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में. बट इट एक ही वीडियो में पूरा एक कंसेप्ट जो है वुड का या फिर उसके यूजेस पूरे कवर करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी होता जा रहा था. आपको तकलीफ ना होना चाहिए, इसीलिए जो है ना आपकी वजह से या फिर आपके लिए खास करके मैंने इस कंसेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने के बारे में सोचा और वही बात अभी कर रहे हैं. पार्ट वन अपलोडेड है, उसका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जिस प्रकार से वुड के अलग अलग प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से कूड के भी बहुत सारे यूज होते हैं. कूड, ठीक है, जितने की वुड के है उतने ही कूड के है. अब वो कूड के कौन से यूजेस है, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना, आपको भी पता चल जाएगा कि कितने अलग अलग प्रकार से जो है ना कूड के भी यूज होते हैं. तो बात करते हैं समय के वेस्ट ना करते हुए, अब बात करेंगे हम वुड बी का यूज. इस सेंस में होता के सेंस में जो है हम वुड बी का यूज करेंगे. जैसे कि मैं आज डॉक्टर होता तो कैसे लिखेंगे, आई वुड बी ए डॉक्टर. समझ में आ गया बात कि होता के सेंस में ये यूज करते वुड बी. मैं आपके साथ होता या फिर आपके पास होता या फिर आपके साथ होता, आई वुड बी विथ यू. मैं आपके साथ होता, मैं वहां पे होता या फिर वो यहां पे होता, ही वुड बी हियर, वो यहां पे होता. समझ में आ गया. तो होता के सेंस में हमने वुड बी का यूज किया. अब सेकंड यूज ऑफ वुड बी, होता था के सेंस में, मतलब जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती थी वो मेरे साथ होता था, ठीक है, मैं जब भी वहां पे जाता था वो वहां पे होता था. तो इस प्रकार के सेंस में जो है हम इसका यूज करते हैं. जैसे कि व्हेनेवर आई नीडेड हिम, जब भी मुझे उसकी आवश्यकता पड़ती थी, ही वुड बी विथ मी, वो मेरे साथ होता था. बराबर है. तो होता था के सेंस में हमने वुड बी का यूज किया. सेकंड एग्जाम्पल देखो इस प्रकार से, जब भी मैं उसके घर जाता था व्हेनेवर आई वुड गो टू हिज हाउस, He would be at home. तो वो कहाँ पे होता था, वो अपने घर में होता था. समझ में आ गया. तो ये दो हमें ज्यादा नहीं, बस कंसेप्ट को क्लियर करना है. एक दो एग्जाम्पल देकर जो है ना मैं आपकी ये सारी कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा और एक भी डाउट नहीं रहेगा, मैं गारंटी के साथ करता हूँ. बस वीडियो को एंड तक देखना है और मैं जो बोल रहा हूँ जिस सेंस में जिसका यूज किया जाता है, बस वो सेंस के तरफ आपको ध्यान देना है. बाकी पूरी कंसेप्ट जो है ना चुटकियों में क्लियर हो जाएगी आपकी. क्लियर. अब अगला यूज रहेगा हमारा वुड बी का, कर रहा होता के सेंस में और फिर बात करेंगे कर रहा होगा के सेंस में. कर रहा होगा तो ये प्रेजेंट टेंस की बात होगी और कर रहा होता ये दूसरे टेंस की बात होगी, ये प्रेजेंट में नहीं आएगा, ठीक है. जैसे कि वो ऑफिस में जॉब कर रहा होता, ठीक है, लेकिन वो अभी है क्या, नहीं है. तो ये सेंस में मैं जा रहा होता लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है. इस समय पर मैं जा रहा होता, मैं पढ़ाई कर रहा होता लेकिन नहीं कर रहा हूं, ठीक है. चलो तो यह सेंस में जो है ना इसका वुड बी का हम यूज करेंगे. ही वुड बी वर्किंग कर रहा होता, ही वुड बी वर्किंग इन दैट ऑफिस टुडे, वो उस ऑफिस में जॉब कर रहा होता ऑफिस टुडे, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं है, अभी फिलहाल में नहीं कर रहा है, लेकिन वो कर रहा होता अगर ईमानदारी से काम करता और वो जॉब उसने छोड़ी नहीं होती तो आज वो उस ऑफिस में ही काम करते हुए दिखाई देता. समझ में आ गया. तो वुड बी का यूज होता है ना कर रहा होता कि हमने सेंस में यहाँ पे यूज किया. आई वुड बी टीचिंग इंग्लिश टूडे,
देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, आई विश आई वुड बी टीचिंग इंग्लिश टूडे, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होता आज, इंग्लिश पढ़ा रहा होता आज अगर मैंने टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के दूसरा प्रोफेशन मतलब दूसरी जॉब नहीं ढूंढी होती, दूसरी जॉब नहीं करता, तो फिर मैं आज आपके सामने जो है ना क्या कर रहा होता, इंग्लिश पढ़ा रहा होता। वेरी, अब हम बात करेंगे वुड बी इस नए कंसेप्ट के बारे में, कर रहा होगा के सेंस में, मतलब वो खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग नाउ, ही वुड बी प्लेइंग नाउ, वो खेल रहा होगा। ठीक है, अभी हम उसके घर जाते हैं तो देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, कि वो खेल रहा होगा, मतलब वो खेलने का काम कर रहा है, ये हम देखेंगे। प्रेजेंट टेंस की बात होगी, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की, ही वुड बी प्लेइंग नाउ, ठीक है, वो खेल रहा होगा। नेक्स्ट, ही वुड बी और शी वुड बी रीडिंग नॉवेल, शी वुड बी रीडिंग नॉवेल एट दिस टाइम। ठीक है, अभी वो क्या कर रही होगी, अभी वो नॉवेल रीड कर रही होगी, रीडिंग करने का काम कर रही होगी, तो कर रहा होगा। अब वुड बी तो खत्म हो गया हमारा, वुड बी की चार यूजेस देखे हमने, टोटल मिला के 20 यूजेस होते हैं वुड के, वुड इस कंसेप्ट के हम 20 अलग अलग प्रकार से जो है यूज कर सकते हैं। तो उनमें देखो, अब वुड हैव की बारी आ गई, उसके बाद की बात करेंगे वुड हैव फिर से। तो वुड हैव का यूज होता है किस सेंस में करेंगे, चुका होता के सेंस में, मतलब उसने काम कर चुका होता, वो पहुंच चुका होता, वो आ चुका होता, हम चले गए होंगे, सॉरी ये नहीं रहेगा, ठीक है, उसने बर्तन साफ की होंगी, मतलब बर्तन साफ करके निकल गया होगा, तो इस सेंस में जो है ना चुका होता के सेंस में हम इसका यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, चुका होगा, मैंने इंग्लिश सीख चुकी होती, आई वुड हैव लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीख चुकी होती। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आवाज आ रहा है गाड़ियों का, उस थोड़ा सा मैनेज करना, अब वो स्वच्छता अभियान का कैंपेनिंग चल रहा है ना, इसलिए आई वुड हैव लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट वन लेते हैं, ही वुड हैव कंप्लीटेड, हैव आया तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है हमें, ये बात तो पक्की है। ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका होता, ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वो उसका काम कर चुका होता। बड़ी, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम चुका होगा के सेंस में, मतलब पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की बात करेंगे यहाँ पे। धोनी वुड हैव प्लेड नाउ, ठीक है, वो खेल चुका होगा, अब जाके क्या फायदा, अब उनकी बैटिंग देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी वो खेल चुके होंगे, अब वो उनकी जो बैटिंग है वो हो गई, उनका नंबर खेलने का जो है ना हो गया होगा। ठीक है, वो अभी तक मर चुका होगा, ठीक है, ही वुड हैव डाइड नाउ, वो मर चुका होगा, अब जाकर कुछ फायदा नहीं है हॉस्पिटल में, उसकी डेड बॉडी तो घर में आई होगी। तो देखो, चुका होगा के सेंस में हमने यहाँ पे बात की है। थर्ड वन, द बस, ठीक है, वुड हैव लेफ्ट नाउ, बस निकल चुकी होगी, द बस वुड हैव लेफ्ट नाउ। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पे हमने चुका होता के सेंस में वुड हैव का यूज किया, और यहाँ पे हमने देखा है कि चुका होगा के सेंस में भी वुड हैव का यूज होता है। अब देखो, हम बात करेंगे वुड हैव बीन की, वुड हैव बीन नया, उसके बाद फिर से जो है वुड हैव बीन की बात करेंगे। अब देखो, वुड की इतने सारे यूजेस है और इतने सारे यूजेस को तो अच्छी तरह से क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक, सारे यूजेस मैं क्लियर कर दूंगा। अगर तो अगर दो वीडियो में नहीं होगा कवर तो तीसरे वीडियो में होगा, लेकिन वुड इस कंसेप्ट को चीरफाड़ के बिल्कुल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस वीडियो को एंडिंग तक आपको देखना है। ठीक है, अब देखते हैं वुड हैव बीन का यूज इस सेंस में, हो चुका होता के सेंस में जो है हम वुड हैव बीन का यूज सीखेंगे। वुड हैव बीन, देखो सेंटेंस लिए हमने, इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टूडे, ठीक है, अगर उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की होती तो आज वो डॉक्टर बन चुका होता, आज वो डॉक्टर बन चुका होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
कि चुका होता के सेंस में हमने यहाँ पे हैव बीन का यूज किया है. सेकंड एग्जांपल, इफ यू हैड सपोर्टिंग मी इन स्टडी आई वुड हैव बीन पास दैट एग्जाम. अगर उसने मुझे मेरे पढ़ाई में सपोर्ट किया होता तो उस एग्जाम को मैं पास कर चुका होता, उस एग्जाम को मैं पास कर चुका होता. ठीक है, आई वुड हैव बीन पास्ड दैट एग्जाम. ये हो गया हमारा चुका होता के सेंस में वुड हैव बीन का यूज. अब हम बात करते हैं किसी समय से कोई काम अगर चल रहा है. ठीक है, कोई समय से अगर काम चल रहा है, देखो उस सेंटेंस में समय से का जिक्र होना चाहिए, किसी समय से चल रहा होगा. एग्जाम्पल देखते हैं, शी वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग इफ आई हैडन्ट स्कोल्डेड हर. वो सुबह से खेल रही होती अगर मैंने उसको उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया होता, अगर मैंने उसको स्कोल्ड नहीं किया होता तो. ठीक है, सो ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. वो खेल रही होती सुबह से, मतलब किसी समय से वो काम चल रहा होता. ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ ही हैड टेकन दैट हाउस दैट डे. अगर उसने वो मकान उन दिनों लिया होता तो आज वो वहाँ पे 5 सालों से दिल्ली में रहता आ रहा होता. ठीक है, रहता आ रहा होता अगर उस जमाने में उसने वो मकान जो है मकान लिया होता दिल्ली में, तो दिल्ली में वो 5 सालों से रहता आ रहा होता, मतलब 5 सालों से जो ना वो रह रहा होगा. ठीक है, रह रहा होता. तो देखो इस यहाँ पे हमने किसी समय से कोई काम करने की बात की है, और यहाँ पे चुका होता मतलब पास हो चुका होता, वो पहुंच चुका होता, वो मर चुका होता अगर उसको पानी नहीं पिलाया होता तो ये सेंस में हमने वुड हैव बीन का यूज सीखा है. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में, देखो वीडियो बहुत लेंदी होता जा रहा था इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब फिर से तीसरे पार्ट में भी इसको डेवलप करना चाहिए. इसीलिए इस वीडियो में हमने देखा है वुड बी का यूज कैसे करते हैं, वुड हैव का यूज कैसे करते हैं, और वुड हैव बीन का यूज कैसे करते हैं. अब हम अगले आने वाले पार्ट 3 में देखेंगे कि वुड हैड का यूज कैसे करते हैं, वुड हैड टू का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में. ठीक है, और भी कुछ यूजेस वुड के बाकी है, वो सारे मैं कवर कर दूंगा थर्ड पार्ट में. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कुछ रुकते हैं यहीं पे. आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में. ठीक है, इस लेक्चर में. और फिर भी अगर इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में कुछ डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा. उसके साथ साथ नया कोई टॉपिक जो आप सीखना चाहते हो वो भी आप नाम कमेंट कर सकते हो, उसके अनुसार जो है हम जल्दी से जल्दी वो टॉपिक की वीडियो भी डेवलप करेंगे, आपके सेवा में पेश करेंगे. ठीक है, लास्टली मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को लाइक किए, उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जो है ना वीडियोस को शेयर कीजिए. आपका सपोर्ट हमें जरूरी है, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, अपलोड करने के लिए. ठीक है, तो हमारे उन समस्याओं को, हमारे उन डेडिकेशन को देखते हुए आपका सपोर्ट हमें मिलना लाजमी है. तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये वीडियो देखना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अक्सर आते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब करो. प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है तो कमेंट्स करो, और बगल में दिया हुआ बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि जैसे ही कोई नए टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड की जाएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, जिसके कारण वीडियोस को देखना बहुत ही आसान सी बात हो जाएगी. एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वंस.